हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रीम क्लासेस में। तो ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, 11 शॉर्ट क्वेश्चन, दो नंबर वाले, 22 नंबर का टोटल रहता है, आज से हम उसको कवर करेंगे। बाकी आपका जो सिलेबस चल रहा है 5 लेसन तक, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा खासा हो गया है, उसको हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू बने रहिए, प्रतिदिन दो वीडियो आपको क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए मिलेगी, अभी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था दो नंबर वाला। तो अभी हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम आपको 80 इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं ना 80 इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन देंगे, दो नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके 11 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, नो डाउट। यानी 11 दुनी 22 नंबर का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 80 क्वेश्चन में। 3-4 वीडियो हम इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक का बटन तो बिल्कुल ही भूलना नहीं है दबाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं पहली बार तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबाना है। और इससे क्या होगा कि आपकी पूरी तैयारी ड्रीम क्लासेस पर अभी से करवा दी जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ोगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो सके। तो इसी तरह हम 100 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे स्पेशली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आवेश क्या है परिभाषित करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके विद्युतीय क्षेत्र को वह उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। और अगर आप हमारे लैंग्वेज को अगर लिखते हैं तो ये एक सटीक आंसर है, और इससे आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर आप बुक्स के क्वेश्चंस को देख के लिखते हैं तो फिर वहाँ से आपके नंबर कटेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। एंड थर्ड ऑफ क्वेश्चन आपका है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। देखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रीवियस ईयर्स भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, इस कारण से हम इसको आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन था, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये तीन प्रश्न हो गए, तीनों जो थे काफ़ी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, आवेश के गुणों को लिखें। पहला गुण, यहाँ पे आवेश के निम्नलिखित गुण हैं, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, एक अदिश राशि है और आवेश संरचित है, ठीक है। पहला पॉजिटिव निगेटिव, यह एक अदिश राशि है और ये क्या है, संरचित है। तो तीन गुण थे, और भी दो गुण हैं इसके, यहाँ हम लोग देखेंगे। आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये आवेश का चौथा गुण है। और पांचवा गुण है कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चार प्रश्न हो गए। पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो देखिए, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन तथा पूर्णांकी गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। आवेश का परिमाण जो इलेक्ट्रॉन एवं पूर्णांकी गुणान दोनों होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और क्यू, जिसको हम आवेश से डिनोटेड करते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज लगेंगे। तो पांच प्रश्न हो गए, लगभग में हम 100 प्रश्नों को डील करेंगे ड्रीम क्लासेस पे, शॉर्ट क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन। और इन 100 प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाते हो, 100 या 80 का अप्रोक्स हम टारगेट रखे हैं, इसमें से आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे। आपके 11 प्रश्न पूछे जाते हैं दो नंबर के, सभी इसके अंदर रहेंगे, ये हमारा ड्रीम क्लासेस का वादा है आप लोगों से। कूलाम के नियमों को लिखे। कूलाम के दो नियम होते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण। जो हमने चुंबक वाला पढ़ा वही होता है कूलाम के नियम के थ्रू। दो आवेशों, दूसरा नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के
समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो गुण हैं कूलाम के नियम के, और ये भी आपको पिछले साल 2-3 साल पहले पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आलतू फालतू प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं। तो 6 प्रश्न हो गए, 7वें नंबर की ओर आते हैं। कूलाम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्योंकि ये तो इतना बार आ गया एग्जाम में कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि कूलाम्ब बल को हम केंद्रीय बल क्यों कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाली कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। 7 प्रश्न हो गए, 8वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एंड आपका 8वां प्रश्न है कि कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखिए। तो कूलम्ब के नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, पहली सीमा। कूलम्ब के नियम की सीमाएं होती है, कौन कौन सी सीमाएं हैं आप समझिए। कूलम्ब का नियम जो होता है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। कूलम्ब का नियम माध्य पर निर्भर करता है। कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10^-15 मीटर से कम हो तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। तो ये कूलम्ब के नियम की 5 सीमाएं हैं, और ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस कारण से हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, भले ही हमारी वीडियोज़ जो होती है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड पे कम होकर पेजेस पे ज़्यादा होते हैं, पर हमारे चैनल पे लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो आपको सिर्फ क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा, 100 से ज़्यादा, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सबको पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे ड्रीम क्लासेस पे, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आज तक हमने आपसे कभी भी कोई फीस नहीं मांगा होगा, ये आपको भी पता है इस चीज़ का। तो आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90वें नंबर। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, इसे रो से सूचित किया जाता है, और रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जहाँ वी आयतन होता है, ठीक है। तो ये 9वां प्रश्न है, 2 नंबर का ही है, लेकिन अगर पूछ दे एग्जाम में तो एकदम सटीक आपको यही लिखना है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप हमारे लैंग्वेज को यूज़ करते हो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहोगे, और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर है, बुक का आंसर नहीं है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बुक के आंसर में जो जांचने वाले होते हैं एग्जामिनर, जो जांचने वाले आपकी जो कॉपी जांचते हैं वो समझ जाते हैं, इस कारण से नंबर आपको थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। और हमारा आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्हाट्सअप नंबर होगा वहाँ पे लेके, वो बिल्कुल हमारा ही नंबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि कहीं फेक ना हो, जी नहीं, बिल्कुल फेक नहीं है, हमारा ही है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें, ठीक है। आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, ये बिल्कुल आयतन और पृष्ठीय घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, इसे भी हम लोग क्या चीज़ से, ये इस टाइप से घनत्व हुआ ना, पृष्ठीय घनत्व, ये क्यू बटे ए, जहाँ ए आपका क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए, इसको हम लोग पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। सिग्मा को इस टाइप से सूचित किया जाता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए, ठीक है, तो थीटा बटे ए, सॉरी। तो ये हमारा पृष्ठीय घनत्व हो गया, 10 प्रश्न हो गए। अगर मेरे बोलने में कभी कभार बाय मिस्टेक हो जाए तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा, और होता है गलती कभी कभार। 11वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेंगे, एफ एन वेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत था, ये आपको प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी। जितने भी क्वेश्चन मैं लिखाया हूँ इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में, हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं सभी प्रीवियस ईयर्स पूछे गए प्रश्न हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र क्या है। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश
आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है। तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था 2017 या 16 में शायद पूछा गया था। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्या है। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, वह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था जिसको परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे धनात्मक लेने की परिपाटी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे 14 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। और इसी तरह से अगर आपका सहयोग रहा, हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहते हो, चैनल पर हमारे पहली बार आए हो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे एंड्रॉयड पे जाता रहे। और आपके कमेंट का वेट रहेगा, जितना जल्दी आप कमेंट करिएगा पार्ट टू हम उतनी जल्दी डालेंगे। और चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन हो रहा है, 6 लेसन तक का सॉल्यूशन हो गया फिजिक्स का, बाकी हम धीरे धीरे आपका 4 लेसन कवर कर देंगे। केमिस्ट्री में भी 7-8 लेसन तक का हो गया, धीरे धीरे कवर कर देंगे। अभी 4 महीना आपके एग्जाम में, 3 महीना है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।